कराते हमारे टिकटॉक स्टार, आप लोग टिकटॉक पर देखे होंगे, अभी एमएक्स प्लेयर टकाटक पर भी देखे होंगे, जो कि ये एक छोटा प्लेटफार्म था लेकिन बहुत बड़ा वो टिकटॉक जो बैन हो गया। तो आइए हम बात करते हैं अभी एमएक्स प्लेयर से जुड़े हुए मुकेश जायसवाल जी से, और बात करते हैं अमानत और गुंडों की आएगी बारात के बारे में कि इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मराठी लैंग्वेज और हिंदी बोलने वाले और आज भोजपुरी में काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे मिलवाता हूँ। भाई ये भोजपुरी ही है, भोजपुरिया ही है, सिर्फ लैंग्वेज नहीं आती इसको। पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और सबसे रही बात फिल्म की तो यही बात भोजपुरी में बोल के बताइए। यही मैं भी बोलने वाला था, बोल के बताइए। रघुआ सबके हम प्रणाम करता नहीं, बोल लगाता नहीं रघुआ, हम सबके प्रणाम करता नहीं। और हल बात फिल्म की तो अमानत और गुंडों की आएगी बारात फिल्म करे में हमरा के बहुत मजा आ रहा बा। हाँ, बहुत मजा आ रहा बा। और जो हमारा डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी बहुत मेहनती डायरेक्टर है, जो हमरा के सगरो चीज करके बताओ था। हाँ बताओ था कि मुकेश ऐसा करना चाहिए, मुकेश थोड़ा के ऐसा करे के चाहिए। क्या बात, ये पार्ट टू थोड़ा गलत कर रहा कर हाल बाड़ा, तो एकरा के थोड़ा ऐसा करके ना मस्त लगे। हाँ तो ऐसे डायरेक्टर पाके हम बहुत खुश है। और रही बात पूरे एंटायर टीम की, अभी मैं हिंदी में बोलूँगा, बहुत हो गया भोजपुरी सॉरी, एंटायर टीम की तो हम इस लाइक अ फैमिली की, हमें ऐसा लग रहा है हम एक वैकेशन पे आए, वैकेशन पे आके यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, इन्जॉय कर करके हमारी सारी फिल्म हो रही है। एक आदमी है थोड़ा भड़कता है बीच बीच में बसों, उसका नाम है डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव। नहीं बट उनका वो गुस्सा होना जायज़ है, क्योंकि यार वो गुस्सा नहीं होंगे तो शायद हमारी जो टाइम लाइन डेट लाइन है उसके ऊपर हम मूवी कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। और मैं सर का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज शायद मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस इन अगर ये ना होते तो नहीं हो पाता। इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, सो थैंक यू सो मच सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर था बस मार के निकालना था उसको बताना था, ठीक है। चूँकि भोजपुरी थी तो लैंग्वेज में हर किसी का कमांड नहीं होता है, जिसका कमांड जिस लैंग्वेज में होता है अपने आप सारी चीज़ें निकल जाती है, और एक्टिंग किसी को सिखाई नहीं जा सकती है, सबके अंदर होती है बस। और रही बात मेरे सारे जो मेरे अपोजिट में आर्टिस्ट है, तो जय है, जय के साथ तो आई गेस एक फैमिली रिलेशन है हमारा दोनों का एक साथ, तो ज़्यादा उनके बारे में बोलूँगा नहीं, वो तो सुनते रहते मेरे मुँह से। और रही बात काजल जी की, तो जैसे संजय जी ने बताया कि वो काफ़ी हम्बल पर्सन है, बट डाउन टू अर्थ है, ऐसा लगता ही नहीं कि इतने बड़े आर्टिस्ट का हम काम कर रहे हैं। वो बिंदास आके बोलता है ऐसा करो कुछ नहीं होगा, बिना टेंशन मत लो, बी फ्री एंड रिलैक्स, जैसा करना है वैसा कर सकते हो। और रही बात मूवी की, तो जैसे सर ने बताया कि 80% गुड्डू की आई के बारा शूट हो चुकी है, एंड 90% अमानत शूट हो चुकी है। अब बचे हमारे कुछ सीन्स है, एंड देन सॉन्ग्स है, और उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद सॉन्ग्स खत्म। हाँ उसके बाद सॉन्ग्स खत्म हो जाएंगे, पार्टी, फिर पार्टी करेंगे। यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। अमानत में आपका किस तरह का किरदार है? किरदार एक किरदार के बारे में डायरेक्टर ने मना किया बोलने के, किरदार ऐसे एक सिंपल बोलता हूँ, किरदार एक ऐसा है कि गाँव का शरीफ लड़का पर नटखट है, पर उसके कंधों पर काफ़ी सारी जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारी को निभाते हुए वो सारी चीज़ें करता है। जिम्मेदारी किस चीज़ की, वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चला? जी, पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और जो दूसरी मूवी में है वो तो मेरा फेवरेट किरदार है, जो मुझे हमेशा से करना पसंद था, जो मैं हूँ, आई गेस असलियत में मैं हूँ, वो किरदार मैं कर रहा हूँ। नहीं छिछोरे गुंडे, छिछोरे हम भाई, छिछोरे हैं गुंडे नहीं, छिछोरे हैं, छिछोरे। और गुंडों की आएगी बारात से पहले दो फिल्म आप किए थे, उसके बारे में बताइए कुछ। फर्स्ट मूवी आई गेस निधि मैम के साथ थी, निधि जी के साथ, तब काफ़ी डरा हुआ था कि भोजपुरी में बोलना है, बट पूरे टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया। जब प्रवीण जी डायरेक्टर थे उन्होंने भी सेम मुझे वैसे ही गाइड किया था, हमारे डीओपी सर माही जी, पूरी टीम ने आई गेस मुझे इतना सपोर्ट किया था कि मैं सारा डर था मेरे अंदर से सब कुछ निकल चुका था एकदम बिंदास, रिलैक्स जाके हमें परफॉर्मेंस करना है उतना हमें पता था। और आई गेस वो मूवी जून एंड तक रिलीज़ हो जाएगी, और हमें आप सबका प्यार चाहिए उस मूवी को एकदम बड़ी हिट मूवी बनाने के लिए। और एक जय ने हमेशा एक बात बोली है कि प्लीज़ अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट करिए, अच्छी मूवीज़ जो डिज़र्व करती है वो लेवल पे जाने के लिए, तो प्लीज़ उनको उतना हक दीजिए। और रही बात मेरे रंग में रंगने वाले की, तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, अमरपाली जीते उनके साथ तो काफ़ी मज़ा आता है शूट करने के लिए, और वो भी काफ़ी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है, एंड बस थैंक यू। और काजल जी के साथ काम करके कैसा लगा? सेम बहुत मज़ा आ रहा, उनके साथ भी सेम उतना ही मज़ा आ रहा है। काजल जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि हम लोगों ने जब ऑलमोस्ट तीनों लोगों ने पहली बार काम उनके साथ काम कर रहे हैं काजल जी के साथ में, हालांकि काजल जी को पहले से जानते हैं हम लोग, बट काम हम लोगों ने नहीं किया था, और सुनने में बहुत लोग
वाया 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 बोलते थे कि उनका टेंट्रम है, ये है, बट हमारे सेट पे जितनी वो हम्बल थी, जितना वो सपोर्टिव है, देख के लगा ही नहीं कि उनके अंदर स्टारडम है। जैसा कि संजय जी ने बताया कि वो एक टीम मेंबर बनके उन्होंने काम किया, और जो उसी का नतीजा है कि हम टाइम पर आज हैं और अपना शूट कंप्लीट कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है अमानत। और दोनों भी फिल्म आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एक पारिवारिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, उसके साथ साथ मेकिंग वाइज और परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। उसमें बहुत कुछ हाथ हमारे डायरेक्टर के साथ साथ में काजल जी का भी है, संजय जी का भी है, संजय पांडे जी जो हैं, प्रकाश जयेश जी हैं जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन सबका भी बहुत बड़ा योगदान है उस फिल्म में, प्रोड्यूसर के साथ साथ, डायरेक्टर के साथ साथ। वो एक्टर्स भी इतने सपोर्टिव थे कि हम उस तरह की फिल्म बना पाए।